के पास हो रहा था कि तुम्हारे बाप ने चुराता है, लगाओ तुम्हारा राज। अगर खुदा की कसम इस सुबह के अंदर इस बैनर के साथ तुमने राज लगाया, इस सुबह में तुम रह गए, तुम अपने बाप से पैदा नहीं हुए होंगे। फिर कहते हैं कि भाग गए, मेरे लोग क्या मिलिटेंट है, क्या दहशतगर्द है, तुम उन पे गोलियां मारोगे और वो बेचारे खड़े रहेंगे। हाँ, अब जब असरा उठा के आएंगे फिर तुम्हें बताएंगे कि भागते हैं कि भगाते हैं। फिर तगड़े हो जाना, फिर संभालना अपने इन लोगों को कि भागता कौन है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक, मैं हूं करण नाज। शायर से माजरत, लेकिन दिल चाह रहा है ये शेर पढ़ने का कि धमकी तड़ी बदमाशी चढ़ाई, होश से काम क्यों नहीं लेती, गोली डंडे गाली गुलेल ये सब क्या है, पीटीआई काम क्यों नहीं करती, 11 साल से केपी में राज है, इसे तब्दीली का मॉडल क्यों नहीं बना लेती, फलाही रियासत के उसूल क्यों नहीं अपना लेती, अगर जो करना था वो कर लेते, पार्लिमानी जिद्दोजहद के जरिए तब्दीली लाने की कोशिश कर लेते तो शायद शायद आज ये हालात नहीं होते। मुसलसल गलत फैसले, सियासी गलत फैसले करते रहे, असेंबलियाँ छोड़ी, हुकूमतें तोड़ी, डंडा संभाल कर सड़क की राह अपना ली, काश के अब भी संभल जाएं। खैर, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने वज़ीर आला अली अमीन के खिताब पर जवाब में एक्स पर लिखा है कि किसी को गंडापुर पर एतबार नहीं है। डी चौक से भागते हुए जितनी जूतियां और डंडे वज़ीर आला की गाड़ी को पड़े हैं, इसके बाद भी ये भड़के मार रहे हैं। वैसे भड़के तो हुकूमतें भी खूब मारती हैं और अभी भी हुकूमत मार रही है। दो दिन पहले खबर आई कि वफाकी कैबिना ने की अक्सरियत के केपीके में गवर्नर राज लगाने के हक़ में है। वज़रा दलीलें देते रहे कि गवर्नर राज का जवाज़ खुद सूबाई हुकूमत ने पेश किया है। मेरे प्रोग्राम में बैरिस्टर अकील ने कन्फर्म भी किया कि इस पर गौर हो रहा है, लेकिन आज रात और वज़ीर दिफा कहते हैं कि कुछ भी नहीं है ऐसा। पर पाबंदी के हवाले से फिर बातें शुरू हो गई हैं। फिलवक्त पाबंदी शायद इतनी जेरे बहस या जेरे गौर नहीं है जितना गवर्नर रूल या गवर्नर राज के हवाले से है। गो के वो एक बड़ा मुश्किल स्टेप है, गो के वो एक नापसंदीदा इकदाम होगा, लेकिन इसको ऐसे वाजे कर दें कि पीटीआई को पाबंदी नहीं लग रही लेकिन गवर्नर राज लग सकता है, कंसिडर किया जा रहा है। गवर्नर राज के बारे में कुछ जो है वो सोचा जा रहा है, सीरियस कंसिडरेशन है गवर्नर राज के हवाले से? ऐसी कोई कंसिडरेशन नहीं है, हम बिल्कुल इनको विक्टिम प्ले नहीं करने देंगे और मैं नहीं समझता कि ये कोई वाइज मूव होगी। इस किस्म की कोई सोच नहीं है कि गवर्नर राज वहां पे लगाया जाए, इसके ना कोई डिस्कशन हुई है। अभी कुछ देर पहले फैसल वावरा साहब, उनके पास भी बड़ी खबरें होती हैं, बड़ी तलात होती हैं, वो भी कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं सोचा जा रहा है। ये बिल्कुल नाज़रीन ऐसा ही है जैसे आज से 4 महीने पहले वजीर तलात ने बड़े तुमतराक से तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का ऐलान कर दिया था और फिर बड़ी खामोशी से उस पर मिट्टी डाल दी थी, क्योंकि ऐलान पहले इत्तेहादियों को अपने एतमाद में नहीं लिया गया था, होमवर्क मुकम्मल नहीं किया गया था। खैर, आज भी वजीर तलात ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और बताया है कि इस्लामाबाद में एहतजाज के दौरान अमवाद से मुतल्लिक बेबुनियाद और झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। पीटीआई कत्लेआम के नाम पर 2019 की वीडियो सोशल मीडिया पर डाल रही है, डी चौक का कहकर गजा की वीडियोस पोस्ट की जा रही हैं। बिल्कुल तहरीक इंसाफ ने झूठा प्रोपेगेंडा जो काबिल मजम्मत है, लेकिन वजीर इत्तलात भी कुछ ऐसी बातें कर गए हैं कि जिस पर सिवाय अफसोस के कुछ नहीं कहा जा सकता। सुनिए जरा। फिर एक प्रोपेगेंडा किया गया, जी बंदा नमाज पढ़ रहा था उसको नीचे धक्का देके मार दिया। मंडी बहाउद्दीन का रिहायशी है, बिल्कुल सही सलामत है, उसकी वीडियो आ गई है, उसके बाजू पे चोट आई है, पट्टियां लगी हुई हैं, और वो टिकटॉक बना रहा था, नमाज नहीं पढ़ा था, उसने अपने दोस्त से चैलेंज किया था। वजीर साहब, चाहे कोई नमाज पढ़ रहा हो या टिकटॉक बना रहा हो, उसके साथ जो हुआ सर वो इंतहाई अफसोसनाक था, तकलीफ दे था, आपने उस अमल की मजम्मत क्यों नहीं की? याद रखिए सर कि ताकत हमेशा नहीं रहती, ये बात अगर वक्त पर समझ आ जाए तो बड़ी नेमत होती है, वरना सर आज पीटीआई अपना सर पीट रही है। प्रोग्राम में बात करने के लिए आज मेरे इंतहाई मौजूद मेहमानों में शौकत यूसुफ जई रानुमा है, तहरीक इंसाफ के साथ मौजूद होंगे, मुस्लिम लीग नून से मोहसिन शाहनवाज राजा साहब आज प्रोग्राम का साथ देंगे, और कादिर मंदुखेल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मेरे साथ मौजूद होंगे। शौकत यूसुफ जई साहब, आपसे बात का आगाज़ करते हैं क्योंकि अभी इस वक्त महवर निगाह जो है वो आपकी पार्टी ही है। आज भी फिर हम वज़ीर आला का जो तर्ज तखातुब देखते हैं, धमकियां दी जा रही हैं, जिस तरह की जबान इस्तेमाल की जा रही है, गोली और बारूद की बात की जा रही है, तो सर अभी जो कुछ आप लोग करके गए उसके बाद ये सारी बातें, आपको नहीं लगता कि ये मजीद मुश्किलात बढ़ाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, ये रीत तो अभी वफाकी हुकूमत ने डाल ही दी है और ये बड़ी बदकिस्मती है कि हम सियासत से हट रहे हैं, और अगर वफाकी हुकूमत नहते कारकुनों के ऊपर गोली चलाई दी, लोगों को जख्मी कर दिया, मार दिया, और फिर उस पर जश्न मनाया कि जी हमने दहशतगर्दों का सफाया कर दिया, तो अब ये सूरत हाल
बड़ी अफसोसनाक है। इसका वाली अमीन गंडापुर ने तो उसका जवाब ही दिया है ना, रद्दअमल दिया है। तो रद्दअमल तो सख्त ही होता है हमेशा, लेकिन ये आसाबी जंग होती है हमेशा सियासत के अंदर, आसाबी जंग होती है। और ये जंग कौन जीतता है? जिसके आसाब मजबूत होते हैं। कभी भी सियासत के अंदर तशद्दुद का आंसर जब आ जाए ना, तो वो सियासत नहीं रहती है। तो मुझे बड़ा बहुत अफसोस हुआ कि गवर्नमेंट ने बगैर किसी अल्टीमेटम के, अगर देखें मैंने अपने लीडरशिप के ऊपर भी तनकीद की है और पार्टी पर भी तनकीद की है, लेकिन वो एक साइड छोड़ा है। इस वक्त जो इशू है कि अगर लोग चले भी गए, जो कोई नो गो एरिया नहीं था वहां पे, और हुकूमत ने बगैर अल्टीमेटम दिए हुए, अगर वो देखे ना, हमारी पार्टी में तो ये भी प्रयास हो रही थी ना कि डी चौक तो हमारा था ही था जाना, लेकिन उससे पहले हम कहीं और भी रुक सकते थे, वो हमारी अपनी बहस थी। और हो सकता था कि अगर गवर्नमेंट अल्टीमेटम देती, कोई बातचीत हो सकता था, हुकूमत खाली भी कराया। बार बार अल्टीमेटम दिया था शौकत साहब, बार बार अल्टीमेटम दिया था हुकूमत ने। बहुत सारे हमारे जो लीडर्स थे ना वहाँ पे जो मौजूद थे, वो बहुत सारे उन्होंने काफी वर्करों से कहा कि जी आप उस तरफ ना जाएं, लेकिन एक वर्चुके रह लेता चला गया वहाँ पे। तो वहाँ पे उन्होंने किसी अहम इंस्टॉलेशन पे कोई हमला नहीं किया, बस बैठ के वहाँ बैठना था ना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हुकूमत सब्र तामल का मुजाहरा करती है, आवाम ही थे कि और किसी और मुल्क से आए हुए लोग तो नहीं थे कि इतना खौफ था, इतना डर था कि क्या कर लेंगे, और डी चौक पे कब्जा कर भी ले तो क्या करना था, एहतजाज ही तो करना था ना, और तो कुछ भी नहीं था वहां पे। तो मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत ने ज्यादती की है, उस पर बिल्कुल जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, यानी जो बात अली अमीन गड्डापुर साहब कर रहे हैं, गोली और बारूद की जो बात कर रहे हैं वो दुरुस्त कर रहे हैं, पार्टी के लिए मुश्किलात नहीं बढ़ेंगी इससे? वो ऐसा कर सकते हैं कि जाके उधर हमलावर हो जाए, जाके उनका मुकाबला करें, लेकिन ये तो एक अल्फाज की वो जो सख्त अल्फाज होते हैं ना, उसमें जवाब दिया है कि आपने देखिए ये इंतकामी कार्रवाई हुई है, ये सबको मानना पड़ेगा। सियासी लोगों पे कोई गोलियां नहीं चलाते हैं, तो उन्होंने अपने वर्करों को दिलासा तो देना है ना, क्या करे वो आप मुझे बताएं। वो खुद मौजूद था, वजीर आला मौजूद था, और उनके अंदर इतना सब्र नहीं था कि वो उनको कह देते कि चले जाए, वर्करों को हटा दे, शायद हो भी जाता। नहीं नहीं सर, वो वर्कर्स छोड़कर निकल गए थे खुद, वो और बुशरा बीबी साहब। नहीं, वो वर्कर को छोड़ के नहीं निकले थे, वो अगर ना जाते ना तो वर्कर और भी मर जाते। ये उन्होंने बड़ी समझदारी का मुजाहरा किया अली अमीन गंडापुर ने। वो खुद मैंने उससे पूछा कि आप कैसे गए, तो उन्होंने कहा कि मैं देख रहा था कि डायरेक्ट फायरिंग हो रही थी और ये लोग नहीं जा रहे थे, जब तक हम थे कोई नहीं जा रहा था, मैं जो मजबूरन वहां से निकलना पड़ा कि अगर मैं नहीं जाऊंगा तो ये लोग मर जाएंगे। तो उसके तो अपनी हिकमत अमली उन्होंने बयान की है, लेकिन मैं ये अगेन कहूंगा कि सियासत के अंदर जो इस वक्त मुख्य है, जो इस वक्त जो मुश्किल में है, और ये कहते हैं ना हमने तरक्की कर ली, कोई तरक्की शरक्की नहीं है, हम उसी जगह पे बैठे हुए हैं। तो मेहरबानी करें, सियासी हैं, वजीर दाखला को भी किसी सियासी बंदे को लाएं। ये भी कंफर्म कीजिएगा, कल आपकी पार्लिमानी कमेटी का इजलास भी हुआ, वहां से ये खबरें आई कि शायद दोबारा इस्लामाबाद जाने का फैसला किया गया है। देखिए मुझे मेरे क्योंकि मैंने भी अभी देखा है, वो एक मीडिया के जरिए मुझे पता चला है कि 7 दिसंबर की तारीख दी गई है, लेकिन आई डोंट नो कि ये पार्टी का फैसला है या किसी ने वैसे ही शोशा छोड़ा है या वजीर आला ने कहा है, क्योंकि मुझे इसके बारे में इलम नहीं है। और पार्टी के क्योंकि पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है, ज्यादतियां हुई है लोगों के साथ, तो एहतजाज करना कोई जुर्म तो नहीं है। मैं इस पाकिस्तान के अंदर एहतजाज अगर पुरमन एहतजाज है तो वो जुर्म क्यों बन रहा है? तो जाहिर है अगर हमारा कोई सियासी स्ट्रगल खत्म तो नहीं हुई है ना पीटीआई खत्म हुई है। जो लोग कहते हैं पीटीआई को बैन करो, खत्म करो, ये इनकी ख्वाहिशात हो सकती है। एहतजाज करना जुर्म नहीं है, लेकिन एहतजाज के नाम पर फिर जो कुछ हुआ वो करना जुर्म है, कारकुनान को छोड़ के भाग जाना ये जुर्म है सर, एहतजाज करना जुर्म नहीं है। मुझे ये बताइए, तहरीक इंसाफ के अकाउंट से खान साहब की तबीयत के हवाले से और उनकी कस्टडी के हवाले से मुख्तलिफ खबरें आ रही है, आपके पास है कुछ इत्तलात? देखिए मेरा तो काफी अरसा हो गया खान साहब के साथ कोई रब्ता नहीं है, कोई वो नहीं है, लेकिन मुझे बड़े अफसोस हो रहा है, दुख हो रहा है, दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि एक साबिक वजीर आजम के साथ जो ट्रीट किया जा रहा है, जो एक इंतकामी कार्रवाई की जा रही है, कभी उनको छोटा सेल देते थे, कभी उनके साथ अभी सर्दियां आई हैं तो कहते हैं उनसे पर्दे हटा दिए गए हैं, और कभी उनके कमरे के अंदर लाइट जो है वो ज्यादा कर दी जाती है। तो ये मेरे ख्याल से ये जो इंतकामी कार्रवाई है ये नहीं होनी चाहिए, जो इंसाफ के तकाजे वो पूरे किए जाए। 300 से ज्यादा जाली मुकदमात हैं, वो फेस कर रहे हैं, उन्होंने कोई एनआरओ नहीं मांगा है। लेकिन मेरी जाती वो है कि हमें पॉलिटिकली जो है ना चीजों को देखना चाहिए, अपने अपोजिशन के लोगों को इस तरह वो नहीं करना चाहिए। कल शहबाज शरीफ अपोजिशन में होंगे, जरदारी साहब अपोजिशन में होंगे,
तो क्या ये सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा? मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होना चाहिए। सियासी मुखालफत भी होती है, सियासी इख्तलाफ भी होता है, लेकिन वो सियासत की हद तक रहता है, ज़ाती दुश्मनी तो की हद तक नहीं जाता। और बदकिस्मती से मॉडल टाउन का वाकया हुआ, उसमें भी किसी को सजा नहीं हुई, इसलिए अब जो ये वाकयात हो रहे हैं तो शायद मेरा तो ख्याल है कि जिस पे जुडिशियल कमीशन के लिए अगर हुकूमत नहीं बना रही है तो हमारी पार्टी को फौरी तौर पे जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी चाहिए कि कोई कमीशन बने ताकि तहकीकात हो। सही सर, डी चौक जाने के फैसले के हवाले से भी बड़ी कंफ्यूजन है। एक तरफ बैरिस्टर सैफ साहब, उनके मुताबिक खान साहब की हिदायत थी लेकिन बुशरा साहिबा ने वो हिदायत नहीं मानी। कल उनकी, बुशरा साहिबा की बहन मरियम मटो साहिबा मेरे प्रोग्राम में मौजूद थी और वो ये कह रही थी कि खान साहब ने ऐसा कोई हुक्म नहीं दिया, बल्कि जो आप लोगों के इजलास हुआ उसमें बैरिस्टर साहब अपनी बात को पेश भी नहीं कर सके, वो सच नहीं बता सके। तो सर बेसिकली झूठ बोल कौन रहा है? नहीं देखिये, बुशरा बीवी के बहन के साथ हमारा क्या वास्ता है? वो कोई पार्टी की तर्जुमान है या क्या है? बैरिस्टर सैफ ने अगर बात की है तो फिर उन्होंने बैरिस्टर गौर साहब का भी नाम लिया कि वो भी मेरे साथ थे, तो गौर साहब ने भी इसकी कोई तरदीद नहीं की है कि ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। तो मेरे ख्याल से बात तो दुरुस्त है, और लेकिन ये कि मुझे अगेन जो मुझे गुस्सा था कि अगर खान साहब ने कह दिया था और कोई नहीं माना, बुशरा बीवी नहीं मानी, तो पार्टी क्यों झुक गई? पार्टी ने क्यों सरेंडर कर दिया? पार्टी को चाहिए था कि फौरन इजलास बुला के इस पे फैसला करते कि ठीक है, बुशरा बीबी को गुस्सा होगा, उसको उनका दिल भी चाह रहा होगा कि जी वो स्ट्रगल करे अपने शोहर के लिए, उनका हक भी बनता है जो जितने ज्यादतियां हो रही है उनके साथ, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी के फैसले कोई एक फर्दिवायत नहीं कर सकता। ये कोई मुरसी नहीं है, मुरसियत हमारी पार्टी तो हमेशा खान साहब मुरसियत के खिलाफ रहे, तो फिर ये कमजोरी पार्टी की, फिर ये बुशरा बीबी की कमजोरी नहीं। आप कह रहे हैं बुशरा बीबी की बहन कहां से आ गई? सर बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर सैफ, जब इनकी मुलाकात हुई थी खान साहब से तो ऐसा लग रहा था कि शायद अब बातचीत का आगाज हो रहा है या बातचीत शुरू हो गई है। लतीफ खोसा साहब ने एक नया दावा कर दिया, वो कह रहे हैं कि हुकूमत ने घुटने टेक दिए थे, बानी की रिहाई के लिए शराइत रखी गई थी, पहली ऑफर ये थी कि एहतजाज मौखर कर दें, जिस पर इनकार हो गया, फिर कहा गया कि अगर आप संजानी बैठ जाते हैं तो 3 से 4 दिन में खान साहब को छोड़ देंगे। इस दावे में कितनी सदाकत है? देखिए मेरे जाती, मुझे इनका नहीं पता है, लेकिन मैं जाती तौर पर आपको बताऊं कि जब हम रवाना हो गए और हसन अब्दाल पहुंचे तो मैंने बहुत सारे अपने, चूंकि बदकिस्मती से मरकजी लीडरशिप नहीं थी, जो हमारे सेकंड ईयर थर्ड ईयर के लोग थे उनसे मैंने जरूर डिस्कस किया है कि पाकिस्तान 2 दिन हो गए बंद है, अगर हम ये एक मत अमली अपनाएं कि स्लो गो के तौर पर हम करें और यहीं पे रुक जाएं, ये जो जहाँ पे कंटेनर लगे हैं, और एक 2 दिन यहाँ पे गुजारें, तो मेरे ख्याल से हमारा जो मकसद है वो पूरा हो जाएगा। 2 दिन और पाकिस्तान बंद रहे, जब तक हम इस्लामाबाद नहीं पहुंचते ये पाकिस्तान हुकूमत बंद रखेगी, और ये इतने देर तक नहीं रख सकती, दबाव था हुकूमत के ऊपर। तो मुझे बिल्कुल इसमें कोई वो नहीं है कि शक नहीं है कि हुकूमत घुटने टेक देती, लेकिन बहरहाल वो हिकमत अमली नहीं इम्प्लीमेंट हो सकी, नहीं हमें वो लीडरशिप नहीं मिल सकी जिससे हम ये बात अपनी कर सकते, तो बदकिस्मत ये सारा कुछ हो गया। अच्छा शौकत साहब, अब सिचुएशन ये है सर कि पीटीआई ने अब तक जितने भी एहतजाज किए हैं उसमें खैबर पख्तूनख्वा की क्यादत तो होती है, वहां से कारकुन तो निकलता है, लेकिन पंजाब की क्यादत हमें नजर नहीं आती है। इस एहतजाज से पहले जब बुशरा बीबी साहिबा ने बात की थी पंजाब की क्यादत से, दीगर क्यादत से, तो उन्होंने ये बड़ा कैटेगोरिकली बड़ा वाजे तौर पर कहा था कि वीडियोज उनको चाहिए, 5 से 10 हजार कारकुनान उनको चाहिए, अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर वो शख्स पार्टी में रहेगा नहीं। और उनकी इस धमकी के बावजूद भी या उनकी इस बात के बावजूद भी हमने देखा वही हुआ जो इससे पहले भी होता आ रहा है। फिर आप लोगों की पार्लिमानी कमेटी का भी इजलास हो गया, कोर कमेटी का भी इजलास हो गया, पंजाब की क्यादत ने क्या तौजीह उसमें पेश की और क्या उनके खिलाफ वही एक्शन होगा जैसा बीबी साहिबा ने कहा है? देखे जी, पंजाब के लोगों के साथ बड़ी ज्यादती हो रही है, वहां पे एक किस्म की रियासती दहशत फैलाई जा रही है, हर जगह कंटेनर रोड बंद किए गए, लोगों के घरों पे रेट हुए। नहीं सर, ये यही ब्लॉकेज इस तरफ भी थी ना, ये इसी ब्लॉकेज को कंटेनर्स को हटाकर आप लोग भी खैबर पख्तूनख्वा से आप लोग भी तो पहुंचे थे इस्लामाबाद। देखिए जिन लोगों ने निकलना था वो निकल रहे हैं, बहुत सारे लोग आए भी थे पंजाब के, हामिद रजा साहब आए थे, उन्होंने बहुत बड़ा जुलूस लेकर आए थे,
मैं उनको उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन बहुत सारे लोग जाहिर है, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये लोग जो है ना अब रियासती ताकत के सामने कैसे खड़े हो जाए। ये कोई मुस्लिम लीग नून और तारीख इंसाफ की कोई लड़ाई तो नहीं है कि उनके वर्कर पहुंच गए और हमारे वर्कर नहीं पहुंचे। एहतजाज में जो लोग नहीं पहुंचे उनके खिलाफ एक्शन वो होगा जो बुशा बीबी ने कहा? नहीं देखिए, एक्शन अगर होगा भी तो पार्टी लेगी ना, या फिर इमरान खान लेंगे। बुशा बीबी कैसे एक्शन ले सकती है, मेरा तो नहीं ख्याल है। और दूसरी बात यह कि देखिए हर बंदा अपनी वजाहत कर लेगा, ये तो मैं कह रहा हूँ। दूसरा कह रहा है, हो सकता है कि बैरिस्टर गौर साहब कोई अच्छी वजाहत कर दें, अकरम राजा साहब ने भी अपनी वजाहत कर दी। सलमान अकरम राजा का इस्तीफा आया, हामिद रजा साहब का इस्तीफा आया, और जो खबरें आई वो ये कि जो गुफ्तगू बुशा साहिबा ने की थी उससे वो नाराज थे। देखिए मुझे इसके बारे में इल्म नहीं है, मैंने भी मीडिया से देखा है। और सलमान अकरम राजा साहब ने तो अपना इस्तीफा वापस भी ले लिया, उन्होंने अनाउंस किया था, लेकिन उन्होंने खुद एक टीवी चैनल से बात कर, मैंने देखा भी एक टीवी चैनल में, उन्होंने कहा मैं इस्तीफा वापस ले लिया है। तो देखिए पार्टियों के अंदर ये तिलकरामी भी होती है, सब कुछ होता है, लेकिन वो जाती इख्तिलाफ नहीं होता है। सर आप सीनियर है पार्टी में, खान साहब से क्यों नहीं मिलते? देखिए मैं तो एक छोटा सा वर्कर हूँ, मेरे पास कोई ओहदा शोदा नहीं है और ना ही मैं इतना बड़ा हूँ। बस दो तीन दफा ट्राई की है खान साहब से मिलने की, लेकिन किसी ने छोड़ा नहीं है, तो बस ठीक है, बस बैठ गए आराम से। तो जब भी मौका मिला, मैं तो कल भी मिलना चाहता हूँ, और मैं मिलता तो मैं बहुत सारी बातें बताता हूँ उनको कि किस तरह स्ट्रगल होनी चाहिए, क्या होना चाहिए। देखिए हम उनके लिए मुश्किलात तो हम बढ़ा चुके हैं, लेकिन हम उनके लिए कोई रिलीफ नहीं ला सके। सर 2022 में जब आपकी हुकूमत गिरी तो ग्रैंड ऑपोजिशन इत्तेहाद था, उसके बाद आपकी हुकूमत गिरी, वरना ये भी मिसाल सामने मौजूद है कि मौलाना साहब भी आपके खिलाफ बड़े भरपूर तरीके से निकले थे, लेकिन उस वक्त कुछ नहीं हुआ था। इस वक्त सिचुएशन ये है कि आप लोगों की सोलो फ्लाइट खत्म ही नहीं होके दे रही है। अब महमूद खान अचकज़ई साहब, उनको आपने सरबरा मुकर्रर किया, फिर वो कहाँ गायब है किसी को नहीं पता। मौलाना साहब को अगर आप लोग एतमाद में ले लेते, क्योंकि पार्लियामेंट में तो वो आपके साथ हैं, तो शायद इस वक्त सूरत हाल मुख्तलिफ होती। देखिए पार्टी के फैसले तो पार्टी कर सकती है, मैं तो सिर्फ तजवीज दे सकता हूँ, राय दे सकता हूँ। और किस्मती से अभी इतना मैं किसी सियासी कमेटी में हूँ, ना कोर कमेटी में हूँ। जो जहांगीर तरीन के दौर के जब मुझे निकाला था, उनके नाराज हो गए थे मुझसे कि ये हमसे बदतमीजी करता है। हालांकि मैं जाहिर है जो बात मुझे सही लगती थी मैं कहता ये सही है, जो गलत लगती थी गलत कहता था, तो उस पर वो नाराज हो जाते। वो चाहते थे कि जो हम कहें उस पर आप यस कहें, वो हमारे खबीर में नहीं है, अब क्या करूं मैं। तो उसके बाद ना मुझे किसी कमेटी में लिया गया है, ना किसी पार्टी का ओहदा दिया गया है, और मैं बड़ा खुश हूँ अपनी जगह पे। लेकिन पार्टी के ऊपर जो मुश्किलात आती हैं उस पे दिल दुखता है, और चूंकि वर्कर जो है वो बड़े तशवीश में होते हैं, तो मैं हमेशा कोशिश रही है। आप देखें 9 मई के बाद कोई पूरी तरह अपने पार्टी को डिफेंड किया, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी उसके साथ पार्टी को डिफेंड कर रहा हूँ, क्योंकि यही पार्टी है सबसे बड़ी जो आवाम पाकिस्तान के आवाम की नुमाइंदगी कर रही है। अगर इसको भी हमने कोई कह रहा बैन कर देंगे, कोई क्या कर देंगे, इस तरह की चीजों पे जाने की बजाय हमें पॉलिटिकल अप्रोच की तरफ बढ़ना होगा। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप साथ मौजूद थे, हम गुफ्तगू कर रहे थे, कह रहे हैं कि पॉलिटिक्स के साथ आगे बढ़ना चाहिए। मोहसिन शाहनवाज राजा साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ज्वाइन कर रहे हैं, और उसके साथ साथ कादिर मंदोखेल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मेरे साथ मौजूद हैं। सर पीपल्स पार्टी किस तरह से देख रही है सारे एपिसोड को, इस सारे मामले को? गवर्नर साहब की बातें तो हम सुन रहे हैं, लेकिन जब उनसे बात की जाती है तो वो कहते हैं कि वो एक सूबे के गवर्नर हैं, तो वो उस हैसियत में बात करते हैं। दूसरी तरफ आसफा साहिबा के भी हमने कुछ स्टेटमेंट्स देखे हैं, जो उन्होंने इमरान खान के हवाले से बड़े अपने कंसर्न का इजहार किया है, उनकी जान के हवाले से बात की है। पीपल्स पार्टी किस तरह से देख रही है इस सारे मामले को पीटीआई के? किरण साहिबा अगर एक मिनट मुझे दे दें, शौकत यूसुफ़ज़ई साहब को आपने अलग इंटरव्यू किया, पता नहीं उनको हमसे खौफ था या हमें इनके खौफ से दूर रखना था। आपने एक बात तो उसने बड़े वाजे बता दी है कि इमरान खान साहब को मैं मशवरा देता, और क्योंकि उनके लिए हमने मुसीबतें बढ़ा दी है। अब मुसीबतें क्यों नहीं बढ़ाएंगे कि एक खातून जिसको ये मानता ही नहीं है, और वो पोलन देवी का रूप धार के, और जिस तरह रियासत पे चढ़ाई की उन्होंने बात की है, और पठानों को गैरत दिलाने के लिए जो कि पहले से गैरतमंद है, और उनको बलि चढ़ाने के लिए और उनको मरवाने के लिए तो कोई कसर नहीं छोड़ा उन्होंने। और फिर जो स्पीच किया था उन्होंने कि मैं आखिरी खातून होंगे वहाँ से जाने का, और वो सबसे पहले खातून वहाँ से भागने में साबित हो गई है, और साथ में गंडापुर को भी ले गया। फिर दूसरी बात यह कि
गंडपुर के बारे में तो मैं पहले ही कहता था कि वो दोनों तरफ खेल रहे हैं और वो जो है कारकुनों की जज्बात को बेच रहा है, तो उन्होंने साथ साथ दोनों ने पूरी रात किसके साथ मुजाकरात कर रहे थे, क्योंकि मानसेरा तो 1.5 घंटे के फासले पर है। और फिर मेरा ये भी सवाल है कि ये सेफ एग्जिट कौन देता है इनको, कि गंडपुर पहले जो ना वो पुलिस और रेंजर्स छापा मारती है पख्तूनख्वा उस पर और वो सलमानी टोपी पहन के निकल जाता है बगैर नेटवर्क के और पहाड़ों पे पहुंच जाता है, वहाँ 12 जिलों से होते हुए असम्बली पहुंच जाता है। इससे पहले 8-10 घंटे जो ख्वाजा आसिफ ने असम्बली में बात की है, और इस मरतबा फिर आप यकीन करके जो जो इस्लामाबाद भी चढ़ाई की है, इस्लामाबाद तो चारों तरफ सील था, तो जब सील था तो ये प्रोटोकॉल के साथ ये बुशरा बीबी कैसे गई है, कौन है सहूलतकार इनका, तो ये एक सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूँ। दूसरा सवाल आपका जो अपने उसके हवाले से किया, मैं यकीनन ये कहूंगा कि इस हवाले से आपके इत्तेहादी हैं सर, इन्हें आप देख रहे हैं खुरम जी, मैं सबसे सबके सामने सवाल रख रहा हूँ, मैं हुकूमत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सबके सामने सवाल रख रहा हूँ। दूसरी बात ये कि उनके अपने सूबे में आप देख रहे हैं या खुरम जैसे कहते, मैंने सवाल रख दिया, आप सवाल खुद रांझा साहब से पूछे, वो आपको जवाब देंगे, मैंने उनका नाम तो नहीं लिया। लेकिन दूसरी बात ये कि आप देख रहे हैं, हम पहले ही कहते थे पेशावर के अलावा, पेशावर के अलावा खैबर पख्तूनख्वा के किसी शहर में हुकूमत के रिट कायम नहीं है। 18वीं तरमीम के जरिए तहत जो है ना सूबाई हुकूमत के पास अमन अमान का मसला है। आप देख रहे हैं कि 125 लाशें गिर चुकी है पड़ा चिनार में, और वजीर आला जो ना इतनी फुर्सत नहीं हो सके कि वहाँ जा सके और इस्लामाबाद पर चढ़ाई के लिए और फिर इस तरह दुम दबा के भागने में तो बड़ा माहिर। तो मैं ये समझ रहा हूं कि इन चीजों के हवाले से जो जो मौजू चल रहा है या जो आपने बिलावल साहब की बात की, यकीनन इस बात ये कि वो बिलावल साहब ने कहा कि ये इस्लामाबाद में 100 लाशें ढूंढ रहे, 100 लाशें उधर जाके पड़ा चिनार में ढूंढ ले जो वहां कतलेआम जारी है और आपका कोई हुकूमत नाम को कोई चीज नहीं है। तो मैं ये समझ रहा हूं, माजी की बातें मैं नहीं करूं, जहां बनू जेल टूट के एक ताला तक नहीं टूटा, एक फायर नहीं हुआ और 400 मुजरिम को साथ ले गए, और फिर यह भी मैं कहूंगा कि एक तजिया के मुताबिक जो हमारे वो है, यकीनन कादर साहब बहुत तकलीफ दे पहलू है, बहुत तकलीफ दे पहलू है, इस प्रायोरिटी बारा चनार ही होना चाहिए थे इस वक्त सबकी। मुझे बताइए सर, थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, पीपल्स पार्टी को ज़राअत पर टैक्स छूट खत्म करने और दरियाए सिंध से कैनाल निकालने पर एतराज है, लेकिन अब सर ये दोनों काम जो है वो यकीनी हो चुके हैं, तो डील कैसे करेंगे आप लोग इसे? मैं देखिए आपको थोड़ा सा मैं माजी में ले जाता हूँ, कालाबाग डैम के हवाले से। कालाबाग डैम में सिंध बलूचिस्तान को जो एतराज़ था वो इसी बात पे थे कि अगर आप डैम बनाएंगे तो सिंध पहले से जो ना खुश्की है, पहले से तबाह हो चुका है, तो ये पानी ख़त्म हो जाएगा। तो आप मुझे बताओ, जब कालाबाग डैम हमने नहीं माना तो ये जो कैनाल निकाल रहा है पंजाब के साइड पर, तो वो कैसे हम एग्री करेंगे? आप देखिए कालाबाग डैम कितना अरसा हो चुका है कि वो नहीं बन सका, लेकिन उसकी वजह ये थी। तो अब ये समझ लो कि हमारे ये कोई जेन्युइन मसला नहीं है। अगर आप मजीद नहरें निकालेंगे और हमसे कोई मशावरत नहीं करेंगे, आप अपना मनमानी करेंगे, तो फिर मैं ये कहूँगा कि फिर भारत के ऊपर आप क्यों इतराज़ करो कि भारत ने जो है ना वो पानी रोक दिया, पानी छोड़ दिया, तो फिर आप वही हमारे साथ करे, वो आप पानी रोक दिए, पानी छोड़ दिए, यही तमाशा आप करेंगे और यहाँ पर जो है ना हम जो हमारी ज़रात पहले से तबाह हो चुकी है सैलाब की वजह से, मजीद तबाही का शिकार होगा। तो ये मेरे ख्याल में जायज मुतालबा है, इसमें किसी को एतराज तो नहीं होना चाहिए। नहीं कादिर मंदोखेल साहब, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है सर, जो भारत पाकिस्तान के साथ कर रहा है वो विफाक कैसे अपने ही सूबे के साथ सिंध के साथ कर सकता है, क्योंकि आप ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो ये इस पर मजीद गुफ्तगू होनी चाहिए। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस करते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहती हूँ, मेरे साथ कादिर मंदोखेल साहब साथ मौजूद हैं, मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब भी ज्वाइन करने वाले। सर हम डिबेट छोड़कर गए थे, आपने एक बड़ा स्टेटमेंट दे दिया था, आप कह रहे थे कि विफाक वो कर रहा है सिंध के साथ जो भारत पाकिस्तान के साथ कर रहा है। मैंने ये कहा, किरण साहब दोबारा सुन ले, मैंने ये कहा कि हम भारत से गिले शिकवे कर रहे हैं कि वो पानी पाकिस्तान का रोक रहा है, छोड़ रहा है, तो वो वही चीज़ पंजाब क्यों दोहरा रहा है? क्योंकि यकीनन अगर वो 6 नहरें निकालेगा सिंध दरिया सिंध से तो बचता क्या पीछे?
पहले से बंजर ज़मीन है, पहले से यहाँ पीने को पानी नहीं है, तो मैं ये समझ रहा हूँ कि पंजाब को सोच समझ के करना चाहिए। और दूसरी बात, सिंध में रहने वाला कोई भी सिंधी है, चाहे किसी पार्टी को, इवन के मुस्लिम लीग नून से हो, वो भी इनको मानने को तैयार नहीं है। तो ज़रा अपने लोगों से पूछे, इनकी जो क़यादत है यहाँ सिंध में, वो भी इनको मानने को तैयार नहीं है। बाकी पार्टी से दूर की बात है। तो मैं समझ रहा हूँ पंजाब को जो है ना, वो बड़े भाई का किरदार अदा करना चाहिए, पंजाब को इस तरह नेच पर नहीं लाना चाहिए। तो हम बिल्कुल आपके जो तहफ़ात हैं, जो शिकवा है, वो उनके सामने रखेंगे और उनसे इस बात का जवाब भी लेंगे। लेकिन आज बिलावल साहब, नेशनल एक्शन टू प्लान की बात कर रहे हैं, सर क्या जरूरत महसूस हो गई है इस वक्त, पहले वन पर तो अमल कर लिया जाए मुकम्मल तौर पर? जी बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है। पहले वाले पे तो मुकम्मल आधे पे भी नहीं हुआ। 20 जो नेशनल एक्शन प्लान 20 पॉइंट्स थे, उसमें से आधे पे भी बात नहीं हुई है, आधे पे भी अमल नहीं हुआ। और मैं इसको यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाता रहा नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से, और मुख्तलिफ डिबेट में इसका जिक्र करता रहा। तो यकीनन उसको रिवाइज़ करने की भी ज़रूरत है, क्योंकि उस वक्त जो सूरतयाल थी वो कुछ और थी, अब सूरतयाल कुछ और है। अब तो ये डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया जो दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करे, तो यकीनन उसमें मजीद पॉइंट्स एड होने चाहिए। तो इस वजह बिलावल साहब ने, जहां तक मेरा ख्याल है, उसने जिक्र किया है कि एक नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से जो ना मजीद उसको तरमीम करना चाहिए, जहां तक मैं समझा उनकी बात। अच्छा, बिलावल साहब ये भी कह रहे हैं कि अब चाहे बात लाठी से हो या बातचीत से हो, पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम लाना पड़ेगा। लाठी से सर कैसे और क्या हल निकलेगा? और जहां तक पीपल्स पार्टी की तारीख रही है, तो आप तो कभी इसके हामी नहीं रहे। लाठी का सारा मलबा भी हुकूमत पर गिरता है, पीपल्स पार्टी तो साइड में बैठती है सर, इत्तेहादी बनकर। किरण साहिबा, आपको याद होगा कि पीटीआई वाले 9 मई के हवाले से कहते थे हमें क्यों नहीं रोका गया, कोर कमांडर हाउस में आने के घुसने के क्यों दिया है, हम जो तोड़फोड़ कर रहे थे शोधा का, हमें क्यों ना रोका गया। और 26 नवंबर के हवाले से कहते हमें क्यों रोका गया। तो आपने बिलावल साहब की पूरे स्टेटमेंट आप हवाला देते तो ये सवाल करने की जरूरत नहीं पड़ती। उन्होंने ये कहा साथ साथ में, उन्हें ये कहा कि आखिर आप देखे पुख्तनख्वा असम्बली के अंदर सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव धमकियाँ दे रहे वफाक को कि हमारे पास असला भी है, हमारे पास पैसा भी है, हमारे पास ताकत भी है, हम देख लेंगे, तो उसका क्या मतलब है? और अभी आपने शौकत यूसुफ़ज़ई साहब की बातें सुनी है, उन्होंने कहा कि गालबन 7 तारीख उन्हें दोबारा दिए। तो ऐसे हवाले से मैं ये समझ रहा हूँ कि आइन का आर्टिकल 232 और फिर 234 बड़ा क्लियर है। 234 में यह कहा गया कि गवर्नर अगर सदर पाकिस्तान को रिपोर्ट दे सूबे के अंदरूनी हालात के हवाले से, तो यकीनन गवर्नर राज उस पर लग सकता है। मैं ये नहीं कहता हूं लगना चाहिए, मगर आईन में ऑप्शन तो मौजूद है, जिसका जिक्र मौलाना साहब ने भी आज किया है। तो मैं ये समझ रहा हूं, आप मुझे बताओ कि सूबे के जहां वहां पर 125 लोग कत्ल हो चुके हैं, सैकड़ों जख्मी हो चुके हैं, खुद गंडापुर साहब जो है ना, वो अपने शहर में मगरब के बाद जा नहीं सकता है। मौलाना साहब का भी यही शहर है, गवर्नर साहब का यही शहर है। तो जब यह सूरत आपकी सूबे के अंदर हो, तो फिर क्या सूरत ये रहेगा? जो सरकारी वसायल है, जो सरकारी असला है, जो सरकारी बारूद है, वो आप रियासत के खिलाफ यानी वफाक के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहे, तो आखिर तो इसको रोकने तो चाहिए ना किसी तरीके से इनको। और फिर सर ये गवर्नर रूल लगाने की बात हुई, हुकूमत की तरफ से कहा गया, फिर जरा आए उन्होंने बाकायदा तौर पर कहा कि इस बात की तरदीद की है, तो क्या हुआ सर, ये इसके पीछे वजह क्या बनी? क्या पीपल्स पार्टी ने गवर्नर रूल के हवाले से और पीटीआई पर पाबंदी लगाने के हवाले से हिमायत ना करने का ऐलान किया है, ये वजह बनी है हुकूमत के पीछे हटने की? नहीं, पहले भी आपको याद होगा पीटीआई के ऊपर पाबंदी का बकायदा जो ना वजीर इतलात अता तारण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, लेकिन पीपल्स पार्टी और मैंने मुख्तलिफ शो में इसकी मुखालफत की, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो गवर्नर राज की बात है, गवर्नर राज यकीनन मैं नहीं समझ रहा हूँ कि आजकल में लगना चाहिए। वजह यह है कि पीटीआई खुद टूट फूट के शिकार हो चुकी है। अभी आपने शौकत यूसुफ़ज़ई साहब के पास सुनी कि बुशरा बीबी कौन है, उसको पार्टी से क्या वास्ता, और ये वही बुशरा बीबी है जो पूरे क़यादत को बेगरत और बेशरम कहते थे, तो उस वक्त वो पार्टी की थी, अभी पार्टी की नहीं है। फिर जो उसकी तर्जमान थी कल, वो यूसुफ़ज़ई मशाल यूसुफ़ज़ई साहबा, वो जो भाई की उसकी तर्जमान बन के, वरना ये कहता था कि सियासी नहीं है ये, घरेलू खातून है, और उसको आज वहाँ से काबिना से निकाल दिए। तो ये टूट फूट का शिकार है। तो इस टूट फूट के शिकार में मैं नहीं समझ रहा हूँ कि पीटीआई पर पाबंदी का और या गवर्नर राज लगाने की इस वक्त जरूरत है। हाँ, अगर उसी तरह चढ़ाई का हुआ तो आर्टिकल 234 या लाठी की बिलावल साहब बात कर रहे हैं, तो फिर ये बताइए कि लाठी से कैसे मसले का हल निकलेगा? और अगर आप मुझे इजाजत दें, क्योंकि आप शिकवा कर चुके हैं, तो मैं जरा शिकवे का जवाब भी ले लूं और फिर डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, सर बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। मुझे सबसे पहले ये बता दीजिए रांझा साहब के एक शिकवा यहाँ पर हो गया है बिलावल साहब को, ज़रात पर टैक्स छूट खत्म करने
और दरियाए सिंध से कैनाल निकालने पर एतराज है। पहले भी ऑब्वियसली वो इस बात का शिकवा कर चुके हैं। हुकूमती कमेटी अब तक उनके तहफ्फुजात दूर क्यों नहीं कर सकी है सर? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये फैसले सारे जो हैं ये मुश्तरका मुफादात काउंसिल जो है हमारी, उसके बीच में ये कुछ फैसले जो हैं ये हुए भी हैं, और इसके ऊपर मजीद बिलावल साहब हमारे बहुत हमारे पुराने साथी हैं और उन्हें हुकूमत के साथ पीपल्स पार्टी हमेशा से खड़ी रही, और हमें उम्मीद है कि माजी में जिस तरह उनके तहफ़ुज़ात दूर हुए, अगर कोई तहफ़ुज़ात हैं भी तो वो भी इंशाल्लाह ताला पानी के हवाले से जो है वो उनके दूर करेंगे। हमें भी उनके मसाइल का बखूबी अंदाजा है कि अगर वो सिंध के दरियाए सिंध के पानी के ऊपर उनके तहफ़ुज़ात हैं तकसीम पे, तो बिल्कुल उनको साथ बैठ के चाहे मुश्तरका मुफादात काउंसिल में बैठा जाए, बल्कि दो तीन इजलास जो हुए इसके मुफादात काउंसिल के उसके बीच में तो नुमाइंदगी रही है वज़ीर आला साहब की शक्ल में, लेकिन अगर कुछ मसाइल नहीं हल हो सके तो ये ऐसे मसाइल हैं जिनके ऊपर हमेशा मुश्तरका मुफादात काउंसिल में बैठ के ही फैसले होते हैं, और ये वफाक ऑन इट्स ओन नहीं कर सकता। तो मेरा ख्याल है कि अगर कोई कम्युनिकेशन गैप है तो इंशाल्लाह ताला उसको बेहतर तरीके से बुला रहे हैं जल्द सर, क्योंकि पीपल्स पार्टी तो मुतालबा कर रही है ना। जी बिल्कुल, ये जल्द इसका इजलास भी बुलाया जाने लगा है जिसके बीच में तमाम वज़ीरे आला और वज़ीरे आज़म साहब और जो मुतलका हैं वो लोग वो सब मौजूद होंगे, ये जल्दी इसका इजलास जो है इसको तलब किया जा रहा है। सही, यकीनन कादिर साहब अब आपको जवाब मिल गया होगा। मोहसिन साहब अब ये फरमाइए सर, हुकूमत ने कुछ महीने पहले ऐलान किया, बात की कि पीटीआई पर पाबंदी लगाई जाएगी, फिर इस मामले से खुद ही पीछे हट गया, अब दो रोज पहले गवर्नर रूल के हवाले से बात की वजीर इत्तलात ने, फिर खुद वजीर इत्तलात ने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, फिर कैबिनेट में इस फैसले की हिमायत के हवाले से भी इत्तलात आई, यहाँ पर अकील साहब मौजूद थे उन्होंने बताया कि कैबिनेट के कई लोगों ने इस बात की जो है वो हिमायत की है। केपी में गवर्नर रूल पर गौर नहीं किया जा रहा, आज दीगर वज़रा ये बात कर रहे हैं, बाकायदा तौर पर इसकी तरदीद कर रहे हैं, तो हुकूमत के अपने फैसला साजी में एक तो इतना तजाद क्यों है और कन्फ्यूजन क्यों है सर? देखिए, इसके ऊपर बातचीत गवर्नर राज के ऊपर जो उनका रवैया रहा है वो हुई है, लेकिन अभी जो देखें सियासी सूरतेहाल जो होती है वो यकसा बदल जाती है, और वफाक की तमाम सूबे इकाइयां हैं, और हम तो ये चाहते हैं कि वफाक में जितने भी सूबे हैं उनको साथ लेके चलें, और अगर अवामी मैंडेट किसी भी सूबे के पास मौजूद है तो उस अवामी मैंडेट का एहतराम किया जा सके, जहां तक कि वो सूबा कानून और आईन के दायरा कार में रह के काम करता है, पर जब वो सूबा लश्करकशी करेगा और वफाक के ऊपर हमलावर होने की तैयारी करेगा जत्थों की शक्ल में, तो लाजमन और जब पारा चिनार जैसे वहां पे वाकयात हो रहे होंगे, पूरा सूबा दहशत गर्दी की आग में लिपटा होगा और कानून और इंसाफ की सूरत हाल बदतरीन होगी, तो उस सूरत हाल में जब आवाम वहां की बार बार आपको कह रही होगी कि हमारे बारे में कुछ तवज्जो दें, आवाम की तरफ तवज्जो दें, और अवाम एक इससे ऐसे अमल में से गुजर रही होगी, तो उस सारी सूरत हाल में जाहिर है वफाक ऐसी क्या तमाम ऑप्शंस को देखेगा, लेकिन जो भी फैसला करेगा वो इंतहाई दानाई से करेगा, और फिलहाल अभी इस तरह का जो फैसला है वो ऑन द कार्ड्स ऑन द टेबल नहीं है। सही। और मैं ये समझता हूँ और मेरी ये दुआ भी है, अल्लाह करे सैनिटी जो है प्रिवेल करे, जब आज पाकिस्तान जो है वो एक तरक्की के रास्ते की दोबारा गामजन होने की सूरत हाल सर बात ये की जा रही थी, मोहसिन साहब बात ये की जा रही थी कि शायद अब जो कुछ हुआ है अभी 26-27 को उसके बाद पीटीआई को या एक सबक मिला है या फिर वो 6 महीने 1 साल पीछे चली गई है, लेकिन आज फिर असेंबली में वजीर आला साहब ने बाकायदा तौर पर इस्लामाबाद आने की बात भी कर दी, फिर वो गोली बारूद के हवाले से भी उन्होंने बता दिया, तो सर अगर आप दोबारा आने की कोशिश करते हैं तो क्या करेंगे, क्या पहले से बातचीत की कोशिश की जाएगी ताकि जो भी कुछ हुआ वो दोबारा ना हो? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जहां पर भी लापरवाही और नेग्लिजेंस है, चाहे वो किसी तरफ भी हो, और हर एक को अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना चाहिए, ऐसी सूरत हाल जो है वो पैदा ही नहीं की जानी चाहिए जिस सूरत हाल को की वजह से यहाँ तक नौबत पहुंचे। जब आपके पास बैरून मुल्क सरमाया करने वाले सरमायाकारी के हवाले से मुख्तलिफ अहम रियासती ओहदेदार जो हैं वो मौजूद हैं, और उस सूरत में आप इस्लामाबाद पे लश्कर कशी कर रहे हैं और अंदर आ रहे हैं, तो सिक्योरिटी जहाँ पे आपका डिप्लोमेटिक इनक्लेव है, आप सिक्योरिटी वहाँ पे हाईली अलर्ट होती है, वहाँ पर आप
किसी मॉब को आने की इजाजत नहीं दे सकते। और वहां पे मॉब को ये बात की गई थी कि अगर आप पहले किसी जगह पे बैठ के बातचीत करना चाहें तो हो सकती है, लेकिन जब जबरदस्ती डी चौक की तरफ आने की कोशिश की गई तो जाहिर है फिर रियासत ने भी अपने हरकत में आना, और पहले ही वॉर्न कर दिया गया था कि इस एरिया को छोड़ दें। तो अगर दोनों पुरअमन एहतजाज करना हर एक का हक है, लेकिन पुरअमन एहतजाज की कवायद और ज़वाबत होते हैं, अगर वो तय कर लिए जाए उसके ऊपर अमल दरामद किया जाए तो मेरा ख्याल है कि वो पुरअमन ही रहेगा और कोई रियासी जबर जो है वो या कोई रियासी। मौसिन साहब एक दावा लतीफ खोसा साहब की तरफ से आया, वो ये कह रहे हैं कि हुकूमत ने घुटने टेक दिए थे और उन्होंने ऑफर भी कर दी थी कि अगर एहतजाज को मौखर कर दिया जाता है या फिर उसके बाद संगजानी पे अगर एहतजाज को रोक दिया जाता है तो हुकूमत की तरफ से ये ऑफर आ गई थी कि बानी पीटीआई को 3 से 4 दिन में रिहा किया जा सकता है। क्या उनके इस दावे में कोई सदाकत है, कोई सच्चाई है? सोच रही थी हुकूमत ऐसा कि अगर वो रुक जाते तो फिर आप लोग ये करते? देखिए ये मैं समझता हूँ तहरीक इंसाफ को अपना खुद बैठ के सेल्फ कथारसिस करने की जरूरत है कि वो कहाँ पर गलत हो रहे हैं, कहाँ पर वो जज्बात में आ रहे हैं, कहाँ पर उनके मसाइल का हल निकल सकता था। लेकिन मैं जिस तरह कह रहा हूँ कि लम्हा ब लम्हा ये सूरत हाल तब्दील होती जाती है, तो जब आप अपनी सारी बातें अपनी मनवाने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि आपकी हर बात ही मान ली जाए और आप जो मर्जी करेंगे तो फिर इस तरह नहीं चलता। तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारी है, तहरीक इंसाफ ने, और अपनी जमात का जितना सियासी नुकसान उन्होंने ये सारा करके किया जब कि हुकूमत और हमारे मोहसिन साहब अहम बात कर रहे हैं सर आप, यानी कि अगर उस वक्त हुकूमत की बात मान ली जाती अपोजिशन की तरफ से तो मामला इस नेच पर आ गए थे, इस पॉइंट पर आ गए थे कि इमरान खान को रिलीफ मिल सकता था? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि उनको रिलीफ मिल सकता था, लेकिन मामला को तरीके से आगे लेके जाया जा सकता था। सियासतदान रास्ता तलाश करता है, सियासतदान आपको पता है डेडलॉक्स में नहीं जाते, जो पॉलिटिकल बंदे हैं वो रास्ता तलाश और वो रास्ता जो है वो इमरान खान के रिलीफ तक जा सकता था। ये रास्ता देखें, ये रास्ता तलाश करें, बैठे रियासत से बात करें, जो भी इनके इश्यूज हैं हुकूमत के साथ बैठे, पार्लियामेंट में बैठे हैं, हम तो इनको यही कह रहे हैं कि आप पार्लियामेंट में आए, ये आप गलत रास्ता अडॉप्ट करके बैठे हुए आप। सर तहरीक इंसाफ के कासिम सूरी साहब वो इल्जाम लगा रहे हैं कि इमरान खान को कोई ऐसी चीज दी गई है जिससे उनका जहनी तवाजुन बिगड़ने का खतरा है, फिर कहा गया कि उन्हें जेल से शिफ्ट कर दिया गया है, लेकिन अलीमा खान जो उनकी बहन है वो कह रही है कि ये कयास आराइयां हैं और कयास आराइयों पर यकीन ना करें। तो क्या आप कन्फर्म कर सकते हैं कि कहाँ है इमरान खान साहब इस वक्त? अडियाला जेल में ही है वो? बिल्कुल जी, वहाँ पर ही है। ऐसी वैसी मेरा नहीं ख्याल ये सब इस तरह की जो बातें हो रही हैं इनकी पीछे कोई सदाकत नहीं है, ये बस अफवाहें हैं वो उधर ही, और ना ही कोई इस तरह जेली तवाजन को खराब करने की दवाई दी जा सकती, जबकि आपको पता है कि ऐसी चीजों का तो फौरी तौर पर मेडिकल हो सकता है, और आप वो एक इस वक्त तहवील में, और तहवील में तो फिर कौन देगा इस तरह की दवाई जिसके बाद में उनको दिमाग पे असर पड़ जाए। तो मेरा नहीं ख्याल, मेरा ख्याल से सियासत करने की जरूरत है तहरीक इंसाफ को, और सड़कों पे आने से इनके मसाइल नहीं हल होंगे। उनकी जमात का एक एतराज भी है ना कि मुलाकात नहीं करवाई जा रही है, ना वकला से मिलने दिया जा रहा है, ना फैमिली से मिलने दिया जा रहा है। वक्त मेरे पास बिल्कुल मुख्तसर रह गया है क्योंकि कानूनी मामलात को आप दोनों मेहमान बहुत अच्छे से जानते हैं। कादिर साहब अगर इस बात पर आप जवाब दे दें सर, मुलाकात क्यों नहीं करने दी जा रही है ताकि अगर इस तरह की कोई अफवाहें हैं वो भी खत्म हो? क्या ये इल्ज़ाम पहली मरतबा लगा है? और कासिम सूरी साहब जो खुद भागा हुआ है उनको कैसे पता चला कि उनको ऐसी दवा दी गई है, जब यहाँ की आदत है उनकी मुलाकात नहीं हुई है, और इससे पहले इस तरह झूठे दावे पहले भी किए गए थे, वहाँ टेस्ट हो गए थे, सब चीज़ क्लियर हो गई है, तो ये तो बार बार तो नहीं होगा। नहीं, वो जो भी चीज़ें आप ये समझ लो, आरपीक वाले कतरे तो लेबॉरेटरी साबित करेगा ना, मैं और आप तो टीवी पे तो नहीं कर सकते। दूसरी बात ये कि ये बार बार जब इनकी मुलाकात रुक जाती है तो इस तरह ये हरबे इस्तेमाल करते हैं, तो मैं समझ रहा हूँ कासिम सूरी साहब बड़ा गैरतमंद आदमी है और उनको आना चाहिए पाकिस्तान, जहाँ उन्होंने पश्तूनों को मरवाने के लिए इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने के लिए इस्तेमाल करते हो, खुद उनको अमरीका से आके इसको फेस करना चाहिए। ठीक ठीक, आप दोनों मेहमानों के शुक्रगुजार हूँ प्रोग्राम में साथ मौजूद थे, और जो रानू इस तरह का दावा करें उनके लिए आप कह रहे हैं कि उनको खुद पाकिस्तान आना चाहिए और फिर इस तरह की बात करें तो शायद कुछ समझ भी आती है। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। प्रोग्राम के आखिर में नाज़रीन बात करूंगी कि ऑस्ट्रेलिया ने जो 16 साल से कम उम्र बच्चे हैं उनके सोशल मीडिया इस्तेमाल पर पाबंदी का कानून मंजूर किया है। ऑस्ट्रेलवी सेनेट में 34 अराकीन ने इस कानून के हक में वोट दिया है, जबकि 19 अराकीन सेनेट हैं
जो मुखालफत कर रहे हैं इस कानून की। अब कानून की मंजूरी के बाद हुकूमत की जानिब से सोशल मीडिया कंपनीज को ये हिदायत भी जारी की गई हैं कि वो एक साल के अंदर अंदर अपना ऐसा निज़ाम बनाएं जो कम उम्र नौजवानों को अपने अकाउंट्स बनाने से रोक सके। निज़ाम जब वज़ा हो जाएगा उसके बाद ऑस्ट्रेलवी नौजवान फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक समेत दीगर एप्लीकेशन इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, लेकिन व्हाट्सएप और यूट्यूब को इस कानून से इस्तेस्ना मिलने का इम्कान है, जिसकी ज़रूरत स्कूल्स के काम और दीगर चीज़ें सीखने में मिलती है। अगर सोशल मीडिया कंपनीज नए कानून पर अमल नहीं करती तो फिर उन्हें 5 करोड़ ऑस्ट्रेलवी डॉलर तक जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। ऑस्ट्रेलवी वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की जिम्मेदारी है वो बच्चों का तहफ़ यकीनी बनाएं, ऐसा करके वो सोशल मीडिया के इस्तेमाल से बच्चों को होने वाले नुकसान से महफूज रख सकेंगे। सोशल मीडिया कंपनीज की जानिब से इस कानून की खुलम खुला मुखालफत हो रही है। दीगर माहरीन ने भी इस हवाले से अपने तहफ़ुज़ात का और ख़दशात का इजहार किया है। माहरीन कह रहे हैं कि हुकूमत ने कानून तो बना लिया लेकिन इसमें कहीं ये नहीं लिखा गया कि तरीक़ेकार क्या होगा, इसका होगा कैसे, और जब तरीक़ेकार ही मौजूद नहीं है तो फिर ये कानून महज कागज़ का टुकड़ा ही साबित होगा। अमरीकी नशरियाती इदारे वॉइस ऑफ अमेरिका के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया में होने वाली इस कानून साजी पर दीगर ममालिक की भी बड़ी गहरी नज़रें हैं और इसके नतीज की रोशनी में दीगर ममालिक में भी ऐसी कानून साजी हो सकती है। स्पेन से लेकर अमरीकी रियासत फ्लोरिडा तक कई असम्बलियों में कानून साज कम उम्र नौजवान के लिए सोशल मीडिया इस्तेमाल करने पर पाबंदी की तजावीज़ पेश कर चुके हैं। हमने भी यही सवाल पायन के सामने में रखा जिस पर उनकी क्या राय आई, सुनिए ज़रा। पाकिस्तान में मैं समझता हूँ जब तक ग्रेजुएट नहीं हो हमारे जो बच्चे हैं उनको मोबाइल नहीं देना चाहिए। पाकिस्तान में ऐसी कानून साजी लाजमी होनी चाहिए। 8 साल के बच्चे, 10 साल के बच्चे अपना मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, गलत सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, फेसबुक, टिकटॉक, और उस पर हमारी हुकूमत से अपील है कि इस चीज़ पर पाबंदी लगाई जाए। सोशल मीडिया बच्चों को जैसे ऑस्ट्रेलिया में इम्प्लीमेंट हुआ हुआ है एक लॉ की 15 ईयर्स के बच्चों को यूज़ करना चाहिए नहीं, तो मेरी पर्सनली ये राय है कि यहाँ पर बच्चों को जो है वो यूज़ कर देने देना चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ें जो है ना वो रिस्ट्रिक्ट होनी चाहिए। हमारे पास सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर इतने ज़्यादा हो चुके हैं और चाइल्डहुड से इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि हमें इस पर रिस्ट्रिक्शंस लगानी चाहिए, और मैं गवर्नमेंट के लिए भी यही कहूँगी कि इस पर इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। सोशल मीडिया पर बहुत सारी लर्निंग चीज़ें भी होती हैं, हर चीज़ के साथ प्रॉस भी होते हैं कॉन्स भी होते हैं, तो हमें अपने बच्चों को खुद शऊर देना है। कहते हैं ना ह्यूमन नेचर है कि जितना मना करो उतना और जाएंगे, तो ये बच्चे को पता वालदे हमें देखना पड़ता है। वो तो पता इंटरनेट भी आ गया, फिर आप इंटरनेट बैन करो, इंटरनेट भी बहुत कुछ है। एग्री करती हूँ इस बात से कि 16 इयर्स के बच्चों जो छोटे बच्चे होते हैं वो भी इतने समझदार नहीं होते। जो सोशल मीडिया ने एक तबाही फैलाई है, जहाँ चीज़ें अच्छी थी वहाँ बुरी भी हो गई। अब 18 साल से पहले किसी का NIC नहीं बनना चाहिए, इसी यही तरीका होना चाहिए। सोशल मीडिया के लिए तो पाबंदी होनी चाहिए, क्योंकि आज एक 14 साल का बच्चा भी जो है वो एक टिकटॉक बनाने के चक्कर में कहीं हादसात होते हैं। बिल्कुल पाबंदी होनी चाहिए, इससे जो है कम उम्र के बच्चे जो हैं ये सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, इससे इनकी तालीम में बहुत फ़र्क पड़ता है, रात को नींद नहीं पूरी होती। बीइंग मदर कुछ इस तरह के ख्यालात मेरे अपने भी हैं। टेक्नोलॉजी जहाँ हमारी ज़िंदगियों में मजबूत तब्दीलियाँ और आसानियाँ लेकर आई है, वहीं इसका जो मनफी इस्तेमाल है ना उसने कई ज़िंदगियों को ख़तरे में डाल दिया है। हुकूमतों के साथ साथ सबसे बड़ी जिम्मेदारी है वालदैन की बनती है कि वो इसमें न सिर्फ अपने बच्चों पर नज़र रखें बल्कि उनको एजुकेट करें, सही और गलत क्या है उससे आगाह करें। ऑस्ट्रेलिया से पहले हमारा दोस्त और पड़ोसी मुल्क चीन 2021 में कम उम्र नौजवानों की सोशल मीडिया तक रसाई को महदूद कर चुका है, जहां इंटरनेट, सोशल मीडिया ऐप्स और वीडियो गेम्स के वक्त को बच्चों के लिए महदूद किया गया है। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है, स्क्रीन से मुलाकात होगी कल। अपना और अपने मुल्क का खास ख्याल रखिए, फ़लस्तीन को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।